हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे टर्म्स फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज सिक्वेंस से मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल। प्रागैतिहासिक सार्वधिक स्थल जो था वो एमपी मध्य प्रदेश से प्राप्त है। मिर्ज़ापुर सर्वप्रथम 1880 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक चित्रों की। और प्रागैतिहासिक स्थल जो प्रमुख रूप से रहा था वो एमपी मध्य प्रदेश था। रायगढ़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ हो गया था 2001 में। इसके प्रमुख स्थल हैं सिंघनपुर, यहाँ पर है सिंघनपुर, सिंघनपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, कबरा पहाड़, नौलगढ़, नवागढ़, बतालदा, खरसिया। अब पर्वत कौन सी थी, तो पर्वत आपको याद रखनी चावरथल पर्वत। सिंघनपुर के बारे में, सिंघनपुर बेसिकली है कहाँ पर, तो ये रायगढ़ माट नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता तीन टाइम्स बताया जाता है, 1910 में डब्ल्यू एडर्सन, 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने खोज किए थे। छत्तीसगढ़ में है सिंघनपुर। टोटल 50 केव्स आर हियर, 50 गुफाएं हैं। पर्वत कौन सी है, चावरथल पर्वत के किनारे स्थित है। खोजकर्ता 1910 में डब्ल्यू एडर्सन ने खोज की, 1913 में अमरनाथ दत्त ने खोज की है, 1917 में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज की है। सिंघनपुर की इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, असन्नत कंगारू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये वाली, असन्नत कंगारू, जंगली भैंसा का अंकन या शिकार अथवा जंगली भैंसा, जंगली भैंसा वाली पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर उठाए हाथी, महीस या अरना भैंसा, कपी मानो जंगली भैंसों को पकड़ते हुए या बर्छी से छेदते हुए, ये वाली भी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य कन्या, हिरण व छिपकली। पंचमढ़ी को पांच पांडवों की गुफा के नेम से भी जाना जाता है। पांडवों की गुफा के नेम से पंचमढ़ी को जाना जाता है। एमपी में है पंचमढ़ी। टोटल 50 गुफा है पंचमढ़ी में, 5 मील के घेरे में फैली हुई है ये गुफा। और इसकी खोज, गुफा की खोज 1932 ईस्वी में हंटर ने किया। हंटिंग सीन से याद रखिएगा कि गुफा की जो खोज हुई है वो हंटर ने किया। और हम लोग पेंटिंग में क्या करते हैं, लैंडस्केप गार्डन बनाते हैं। 1936 में गार्डन ने यहाँ के पेंटिंग्स की खोज की थी पंचमढ़ी गुफा के। अब पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर स्थित है, एक्चुअल प्लेस रहा था होशंगाबाद जिला एमपी, एमपी के महादेव सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है, महादेव सतपुड़ा पहाड़ियों में। इसके क्षेत्र हैं इमली खो, नींबू भोज, बाजार के, बेनिया बेरी, मोंटरेजा, जम्बूदीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, विडम केव, गौरी झालाई आदि। पंचमढ़ी शिलाचित्र रॉक पेंटिंग को पुलरी भी कहते हैं, पुतरी भी कहते हैं, ठीक है। प्रमुख चित्र है यहाँ के, फेमस पेंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग दीज वन, सांभर के आखेट का दृश्य। इमली में क्या करते हैं, इमली में सांभर को ऐड करते हैं, उससे आप याद रखिएगा, सांभर के आखेट का दृश्य इमली खो से प्राप्त है। शेर के आखेट का दृश्य मांडादेव से प्राप्त है। विशाल का है बकरी का चित्र बाजार केव, बाजार केव से विशाल का है बकरी के चित्र प्राप्त हुए हैं। अश्वरूढ़ महिषारूढ़ सैनिक के दृश्य, वानर समूह शहद एकत्रित करते हुए, नृत्य वादन संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल जम्बूद्वीप से प्राप्त है। वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक, गायों को चराते चरवाहे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, स्वास्तिक पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही का चित्र सितार बजाते दिव्य रथवाही धनुर्धर, सगर्भा का चित्र बेनिया बेरी से मिला है। बेनिया बेरी, जम्बूद्वीप और इमली खो, नींबू भोज, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे याद रखिएगा उपक्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं। इमली खो, नींबू भोज, बाजार के, बेनिया बेरी, मोंटरेजा, जम्बूद्वीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, विडम को, गौरी झालाई आदि। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
पंचमढ़ी में देखिए पहले स्तर पे तख्ती नुमा व डमरू नुमा फिगर्स बनाए गए थे इस तरह। दूसरे स्तर में थोड़े से सुडौल बनाए जाने लगे थे, असंतुलित व बेडौल ढंग से। और तीसरे स्तर में प्रॉपर नेचुरल पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी। अब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशक्त युद्ध दृश्य आखेटों तथा दैनिक जीवन नृत्य वादन चित्र प्राप्त हैं। प्रागैतिहासिक काल में सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम चित्र सर्वप्रथम जो प्राप्त हुआ है वो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। कैसी पेंटिंग? सामाजिक जनजीवन से संबंधित सर्वप्रथम पेंटिंग पंचमढ़ी से प्राप्त है। पंचमढ़ी के चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से वो 3 श्रेणियां हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरू नुमा फिगर्स को बनाए गए हैं कुछ इस शेप में, ठीक है। और दूसरे स्तर में आकृतियां व रूप जो रहा था वो विन्यास बेडौल व असंतुलित ढंग से रहा। इनके केवल शारीरिक जीवन का अंकन देखने को मिलेगा। तीसरे स्तर में आकृति स्वाभाविक नेचुरल बनाई जाने लगी। इस स्तर के चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए या शहद एकत्रित करते हुए पेंटिंग्स बनी। मनुष्य औजार सहित सैनिक वाद्य यंत्र बजाते हुए घरेलू व आम जीवन की पेंटिंग्स को कैप्चर किया जाने लगा। देखिए जिस तरह से वर्ली आर्ट आपने देखी होगी, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की बहुत फेमस है। वर्ली आर्ट में क्या करते हैं, ऐसे फिगर्स को बनाया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट कलर से, और पंचमढ़ी में क्या किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर से पेंटिंग को बनाई जाती है और उसके बाद रेड कलर से आउटलाइनिंग कर दिया जाता है। बाह्य रेखा जो ये आउटलाइनिंग कर दी जाती है वो रेड कलर से। तो आप इस तरह से याद रखिएगा इस टर्म को कि वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की फेमस है, जस्ट वर्ली आर्ट की तरह यहाँ भी पेंटिंग हुई है पंचमढ़ी में भी। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर से पेंटिंग बनाने के बाद बाह्य रेखा आउटलाइनिंग कर देते थे रेड कलर के, रेड कलर टोन से। V.S. वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिन्होंने भीमबेटका गुफा की खोज किए थे, V.S. वाकड़कर ने मोंटेरेजा को फ्रांस की गुफा के समकालीन बताए थे, उसके समान बताए थे। फ्रांस की गुफा को मोंटेरेजा को फ्रांस की गुफा के समकालीन। और मोंटेरेजा किसका पार्ट है, लाइक मोंटेरेजा जो पार्ट रहा था ये है पंचमढ़ी का। जैसे पंचमढ़ी के क्षेत्र थे ना, इमलीखो, नींबू भोज, बाजार के, बेनिया बेरी, मोंटेरेजा, जम्बूदेवी, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, विडम केव, गौरी या झालाई इत्यादि। यहाँ से सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र मिले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेटिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र कहाँ से मिले हैं। सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र मिले हैं पंचमढ़ी से। नेक्स्ट लाइन है, पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा भी कहा जाता है। पंचमढ़ी की गुफा को अल्तामिरा के समकालीन कहा गया है। दैट मीन्स पंचमढ़ी का जो केव है उसका कंपेयर अल्तामिरा गुफा से किया गया है। नेक्स्ट है होशंगाबाद। होशंगाबाद MP में नर्मदा नदी घाटी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसका डिस्कवरी खोज हुआ था 1922 में मनोरंजन घोष। आपको याद रखना है एक तो डेट कि होशंगाबाद का डेट क्या है, 1922। खोज किसने की, मनोरंजन घोष ने, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स ये याद रखते हैं कि रिवर कौन सी है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। ये 3 पॉइंट्स आपको नहीं भूलना है। और पहाड़ी पूछा जाए तो आदमगढ़ की पहाड़ी पर होशंगाबाद स्थित है। और होशंगाबाद के उपकेंद्र कौन कौन से हैं, आदमगढ़, बुद्धनी और रहेली। यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग देखिए कौन कौन सी है, जिराफ समूह, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वन मोर में वन देवी छलांग लगाते हैं बारह सिंह, ये वाली भी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 धनुर्धारियों की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के पीले रंग का हाथी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। महामहिष वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। महामहिष का साइज जरूर याद रखिएगा, 10x6 फीट। देखिए 4 धनुर्धारी के जो पेंटिंग्स मिली है, 4 धनुर्धारी की पेंटिंग मिली है होशंगाबाद से। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक धनुर्धारी की पेंटिंग कहाँ से मिली है, सर्वाधिक धनुर्धारी कहाँ पे चित्रित किया गया है, सर्वाधिक धनुर्धारी की जो पेंटिंग्स मिली है वो मिली है पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक धनुर्धारी। और 4 धनुर्धारी जो मिले हुए हैं वो मिले हैं होशंगाबाद से। जिस तरह से पंचमढ़ी में
पंचमणि के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, तीन श्रेणियों में पेंटिंग्स को डिवाइडेड किया गया था। उसी तरह से होशंगाबाद में 5 व 6 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो अनेक काले रंग से बनाए गए हैं। ब्लैक कलर्स की प्रायोरिटी रही थी, ब्लैक कलर में बनाए गए हैं। और यहाँ पर छिपांकन पद्धति, दैट मीन्स स्टेंसिल्स टेक्निक में भी वर्क देखने को मिल जाता है। कागज प्रतिभूति कारखाना भी रहा था, नोटों वाला कारखाना होशंगाबाद। नेक्स्ट है शिवपुरी क्षेत्र। शिवपुरी क्षेत्र के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। आज तो मैंने सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट क्लास में मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करूंगी, शिवपुरी क्षेत्र। ओके, अगर वीडियोस अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो अगर आपको डिस्क्रिप्शन पसंद आए होंगे तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।